हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। एलजेब्रा का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आज हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, क्या होता है सब मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम डिलीटिंग रो और कॉलम और बोथ ऑफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। कोई भी ए मैट्रिक्स हम लेके चल रहे हैं एम क्रॉस एन ऑर्डर की, इसकी या तो कोई भी रो डिलीट कर दे या कोई कॉलम डिलीट कर दे या दोनों ही डिलीट कर दे, रो एंड कॉलम एक साथ, जो बाकी रह जाती है आपके पास रिमेनिंग मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सब मैट्रिक्स ऑफ ए। फॉर एग्जांपल हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 5 4 3 8। हम ली मैट्रिक्स 3x3 की, ठीक है। इसके अगर हम सब मैट्रिक्स बनाते हैं तो हमने कहा या तो हम कोई रो डिलीट कर दें या कोई कॉलम डिलीट कर दें या फिर दोनों ही एक साथ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। बोथ भी एक साथ, दोनों रो एंड कॉलम बोथ एक साथ डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं सब मैट्रिक्स निकालती हूँ, ये कॉलम डिलीट कर देते हैं, दिस इज 1 2 4 3 7 9, ये सब मैट्रिक्स हो गई मैट्रिक्स ए की, ठीक है। अगर मैं ये रो डिलीट कर देती हूँ A2, ये रो डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 5 4 3 8, ये मैट्रिक्स, दिस इज सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर हमें दोनों ही डिलीट कर दें, दिस इज रो एंड दिस कॉलम, अगर मैं इनको डिलीट करती हूँ तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहता है, 3 8 9 0। इस तरह से आप बहुत सारे सब मैट्रिक्स निकाल सकते हो, ठीक है। सारे के सारे जो हो ए मैट्रिक्स ही सब मैट्रिक्स है। अगर हम ये वाला कॉलम डिलीट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 5 4 8 7 0, ये सब मैट्रिक्स बच जाएगी, ठीक है। तो मीनिंग क्या है यहाँ पे, या तो कोई रो डिलीट कर दे, एक एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते, दो नहीं कर सकते, हमें पूरी की पूरी रो डिलीट करनी होती है, पूरा कॉलम डिलीट करना होता है, ठीक है। एक भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, जितनी भी डिलीट करने बाकी जो रह जाएगा आपके पास वो इसकी सब मैट्रिक्स होती है, या दोनों को आप एक साथ भी कर सकते हो डिलीट, जैसे हमने A3 निकाला है। तो ये था आपके पास सब मैट्रिक्स। माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स, माइनर्स क्या होते हैं, ए हम कोई मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं A, B a matrix of order m cross n. A हमने matrix ली m cross n की, ठीक है। Then determinant of all स्क्वायर सब मैट्रिक्स, स्क्वायर यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड माइनर ऑफ ए। देखिए माइनर में क्या होता है, जो भी आप सब मैट्रिक्स बना रहे हो, जैसे हमने ये सब मैट्रिक्स बनाई, ये कैसे होनी चाहिए, स्क्वायर सब मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसका जो डिटरमिनेंट लेके चलेंगे उसको हम बोलते हैं माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स ए। फॉर एग्जांपल इसका ऑर्डर कितना है यहाँ पे आपके पास, 3 रो एंड 2 कॉलम, ठीक है। तो ये माइनर नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, दिस इज द 2x2, ये हमारा माइनर बन सकता है ऑफ दिस मैट्रिक्स ए का, ठीक है। अगर हम यहाँ से निकालेंगे माइनर तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 3 8 9 0, ठीक है। अगर हम ए में से ही कोई माइनर निकालना चाहे तो एक तो इट्सेल्फ ही हो जाएगी
थ्री क्रॉस थ्री का कंप्लीट मैट्रिक्स का माइनर, और ये ले सकते हैं हम क्योंकि इटसेल्फ मैट्रिक्स भी तो सब मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। स्क्वायर में यह है आपके पास थ्री क्रॉस थ्री, देन इसके बाद हमें लेना है स्क्वायर, सारे के सारे सब मैट्रिक्स जितनी बनाओगे सारे के सारे स्क्वायर बनानी है, जितनी रो होंगी उतनी ही कॉलम आएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो इसके माइनर और बनाएंगे तो हमारे पास थ्री क्रॉस थ्री का एक ही माइनर बनेगा क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स थ्री क्रॉस थ्री की ही है। इसके बाद अगर हम टू क्रॉस टू के देखें, माइनर ये तो था थ्री क्रॉस थ्री का, एम टू हम ले लेते टू क्रॉस टू के, तो यहाँ से हम एक रो और एक रो एंड एक कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, वो आप कोई भी कर सकते हो। अगर मैं ये रो और ये कॉलम डिलीट कर देती हूँ तो यहाँ से बचेगा मेरे पास वन टू फोर थ्री, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, दिस इज़ अ माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, ठीक है, क्योंकि हमें बनाना है स्क्वायर में टू क्रॉस टू। अनदर एग्जाम्पल, यहाँ से अगर मैं ये रो और ये कॉलम डिलीट कर देती हूँ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ से बनेगा फोर एट सेवन ज़ीरो टू क्रॉस टू का, तो ये सारे आपके पास माइनर बनेंगे, ठीक है। तो माइनर क्या बनेगा, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर सब मैट्रिक्स अगर हम निकाल लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड द माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ए। डेफिनेशन आपके पास इंपॉर्टेंट, ये आपका चैप्टर है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट ए, हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ए आई जे एम क्रॉस एन, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है एम क्रॉस एन, बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, देन ए नॉन नेगेटिव इंटीजर आर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ ए। आर को हम ए का रैंक कब बोलते हैं, फर्स्ट इफ ए हैज़ एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, ए मैट्रिक्स के पास आर ऑर्डर का कम से कम एक नॉन जीरो माइनर ज़रूर होना चाहिए। एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन ऑफ ए इफ एनी इज अ ज़ीरो, कहता है कि अगर हमारे पास मान लिया आर ऑर्डर का हमारे पास माइनर नॉन जीरो आ रहा है, तो अगर मैं आर प्लस वन ऑर्डर का निकालती हूँ तो वो हमारे डेफिनेटली ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं सी डी ई एफ, नंबर्स में दे दीजिए 1 2 5 4 6 3, अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास थ्री क्रॉस थ्री की है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने कहा कि आर ए का रैंक तब बोला जाएगा, यानी कि इसका रैंक हम कब बताएंगे, अगर फर्स्ट ए हैज़ एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑर्डर आर। माइनर अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ये हमारा माइनर होता है। अगर मैं ए मैट्रिक्स का माइनर फाइंड आउट करती हूँ तो क्योंकि थ्री क्रॉस थ्री की है तो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर हमारा बनेगा थ्री क्रॉस थ्री का, तो एम वन, मतलब कि थ्री क्रॉस थ्री का माइनर निकाल रहे 1 2 5 4 6 3 7 8 9, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया, फॉर एग्जाम्पल हमारा डिटर्मिनेंट जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया, ठीक है। अगर हमारा माइनर जो है वो थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का जीरो के इक्वल नहीं आता, यानी नॉन जीरो आ जाता है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ से, रैंक ऑफ मैट्रिक्स थ्री, ठीक है। इफ एम वन, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं एक्सपेंड करते हैं और इसका डिटर्मिनेंट सपोज ज़ीरो आ जाता है, तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे टू क्रॉस टू के माइनर। टू क्रॉस टू मतलब सब मैट्रिक्स बनाएंगे स्क्वायर, एम टू ले लेते हैं टू क्रॉस टू के, ये कॉलम और ये रो डिलीट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 2 4 6, ठीक है। एक्सपेंड कैसे करेंगे इसको, 4 माइनस 8, दिस इज माइनस टू, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने अभी हमारा ये जो सॉल्व करोगे तो हम सिर्फ ये अज्यूम करके चले हैं, सपोज कि M1 का डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाता है इन केस, तो हम क्या करेंगे 2 क्रॉस 2 के माइनर फाइंड आउट करेंगे। 2 क्रॉस 2 के जितने भी आपके पास बन सकते हैं, ये बन सकता है या फिर ये ले सकते हो, इन दोनों को ले सकते हो, तो 2 क्रॉस 2 के बहुत सारे बनेंगे इसके अंदर, जितने भी पॉसिबल हों। एक भी अगर नॉन ज़ीरो आ गया, 2 क्रॉस 2 के माइनस जितने ही बनाओगे और एक भी नॉन जीरो आ गया, तो इसका मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 2 हो जाएगा,
ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अगर हम देखें, आर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ ए. कब बनेगा? जब एटलीस्ट 10 माइनर आ जाए ऑफ ऑर्डर आर. मतलब कि अगर 2x2 मान लिया हमने आर की वैल्यू यहाँ से ले ली 2, ठीक है, 2x2 का हमारा नॉन जीरो आ गया तो आर हो गया हमारा 2. तो हमने ये कहा है कि कम से कम एक 2x2 का माइनर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, देन दिस इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए. सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1, दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या है? 3x3. यानी कि आर प्लस 1 अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 ऑर्डर का माइनर, वो हमारा डेफिनेटली इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है. देन हम कहते हैं कि आर हमारे पास उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा. एग्जाम्पल से देखिए, डेफिनेशन ऑफ क्लियर हो जाएगी आपकी. फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का आपको रैंक फाइंड आउट करना है. इसको हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, 0 0 1 0 2 0 1 0 1. कितने ऑर्डर की है? 3x3 ऑर्डर की, ठीक है. तो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3. हम इसका माइनर फाइंड आउट करते हैं, यानी हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं. डिटर्मिनेंट 0 0 1 0 2 0 1 0 1. कैसे एक्सपेंड करते हैं? दिस इज 0, ये भी 0 है, 1 की बारी आ गई हमारे पास, क्योंकि 0 इंटू दिस लेंगे तो ये हमारा कंप्लीट 0 हो जाएगा. 1 इंटू ये रो और ये कॉलम अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0. 1 इंटू इसको सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 2, दिस इज -2, नॉट इक्वल टू 0. हमने माइनर निकाला 3x3 का, ठीक है, और वो हमारा आ गया नॉट इक्वल टू 0. देन आपके पास क्या आ जाएगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3. 3x3 का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हमारे रैंक आ गया 3. अगर ये 0 के इक्वल आ जाता तो हम 2x2 के निकालते. फिर 2x2 के जितने भी आपके पास बनेंगे, यहाँ से ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, और इन सब में से अगर एक भी नॉन जीरो आ जाता है वही आपका माइनर हो जाता है. नेक्स्ट देखिए ये वाला, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए. इसका आपको रैंक फाइंड आउट करना है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए. सबसे पहले हम 3x3 का निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास. 3x3, 1 2 3 3 2 1 1 1 1. एक्सपेंड करते हैं इसको. 1 into 2 minus 1 minus 2 into 3 minus 1 plus 3 into this is 3 minus 2. 2 minus 1 is 1 minus 2 this is 2 4, ठीक है, एंड प्लस 3 3 in minus 2 is a 1. ये आ जाएगा 4 minus 4 is equal to 0. डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 इक्वल टू 0 आ गया. इसका मतलब 3 इज नॉट रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए. तो इसका रैंक जो मैट्रिक्स ए का 3 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो हमारे पास 0 आ रहा है. हम बनाते हैं सब मैट्रिक्स. सब मैट्रिक्स A1 ले ली हमने, क्योंकि हमें स्क्वायर बनानी है तो 2x3 के से पहले कौन किसका नंबर आएगा? 2x2 का. तो यहाँ से हम बनाते हैं सब मैट्रिक्स 1 2 3 2, ठीक है, इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं. 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 minus 6. हमने पहले ही उठा लिया 1 2 3 2, 2x2 का, ठीक है. 2 minus 6, दिस इज -4, नॉट इक्वल टू 0. बाकी निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही निकाल सकते हो आप. 2x2 का अगर एक भी नॉन जीरो आ जाता है, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक. एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए दे रखी है आपके पास 3x4 ऑर्डर की, ठीक है, आपको उसका रैंक फाइंड आउट करना है. देन अगर हम इसका माइनर निकालते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर कितना बन सकता है? 3x3, क्योंकि हमें माइनर चाहिए होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है. तो हम 3x3 के माइनर निकालेंगे. फर्स्ट M1 ले लेते हैं. पहले हम इसको स्किप कर देंगे, ये आ जाएगा 1 2 0 1 2 1 2 4 2. इसको सॉल्व करके देख लेते हैं.
अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, सॉरी रैंक हो जाएगा थ्री। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं रैंक ऑफ थ्री क्रॉस थ्री। चलिए वन इंटू फोर माइनस फोर माइनस टू इंटू, ये स्किप करेंगे यहाँ से, टू माइनस टू और नेक्स्ट जीरो है ही आपके पास, जीरो माइनस टू इंटू जीरो प्लस जीरो कंप्लीट जीरो। तो एम वन हमारा जीरो आ गया। सेकंड निकालते हैं एम टू, एम टू ये कॉलम छोड़ देते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड लेते हैं लास्ट, वन वन टू एंड थ्री, टू फोर एंड सिक्स, टू फोर सिक्स। इसको सॉल्व करते हैं, वन इंटू ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व माइनस टू इंटू सिक्स माइनस सिक्स एंड वन इंटू फोर माइनस फोर, दिस इज़ ऑल्सो ज़ीरो, इसकी वैल्यू भी ज़ीरो आ जाती है। फिर हम माइनर थर्ड निकालते हैं एम थ्री, सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे, वन वन टू ज़ीरो वन टू एंड वन थ्री सिक्स। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, सिक्स माइनस सिक्स माइनस ज़ीरो, दिस इज़ कम्प्लीट ज़ीरो, सिक्स माइनस सिक्स प्लस वन, दिस इज़ टू माइनस टू, ये भी पूरा का पूरा ज़ीरो। फिर हम निकालते हैं एम फोर, यानी थ्री क्रॉस थ्री के हमारे पास चार माइनर आ सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टू टू फोर ज़ीरो वन टू वन थ्री सिक्स, टू इंटू सिक्स माइनस सिक्स, ये आ जाएगा आपके पास ज़ीरो, कंप्लीट ज़ीरो हो ही जाएगा, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व प्लस वन इंटू फोर माइनस फोर, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो थ्री क्रॉस थ्री के जितने भी माइनर हम बना सकते हैं यहाँ से हमने बना लिए और सबकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ रही है। ठीक है, देन थ्री इज़ नॉट रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। रैंक को हम शो करते हैं दिस, तो रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या बनेगा, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने दिस, तो रैंक ऑफ ए लेस देन थ्री हो जाएगा, क्योंकि थ्री तो आ नहीं सकता, सारे थ्री क्रॉस थ्री के माइनर हमारे पास ज़ीरो आ गए हैं। फिर हम निकालते हैं टू क्रॉस टू, टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स बनाएंगे, यहाँ से माइनर फाइंड आउट करते हैं, एम फाइव ले लेते हैं, टू क्रॉस टू के निकालेंगे, वन फर्स्ट इज वन टू लेते हैं, वन टू वन टू, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, टू माइनस टू इज ज़ीरो। ठीक है, सेकंड देखते हैं, टू माइनस टू दिस इज़ ऑल्सो ज़ीरो, थ्री माइनस वन हम ये उठाते हैं, एम सिक्स इज़ ज़ीरो वन वन थ्री। ठीक है, टू क्रॉस टू का कोई भी ले सकते हो, ज़ीरो वन वन थ्री, दिस इज़ ज़ीरो माइनस वन, आंसर माइनस वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो टू क्रॉस टू का हमारे पास माइनर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, दैट मीन्स रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू टू। तो यहाँ से आ जाएगा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टू, बिकॉज टू क्रॉस टू आपके पास माइनर जो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, शो दैट नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑफ रैंक वन। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रैंक वन नहीं हो सकता, ये आपको शो करना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज्यूम करके चलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लेते कैसे, हमारे पास सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। ठीक है, देन एच जी एल कोई भी कॉन्स्टेंट ले लीजिए, अगर टू वन तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस एच, दिस इज़ वन थ्री थ्री वन। ठीक है, तो थ्री वन पे माइनस जी, दिस इज़ वन फोर फोर वन माइनस एल, देन एम एन और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, अगर यहाँ पे एम है तो ये माइनस है, दिस इज़ यहाँ पे एक और ले लेते हैं, पी ले लीजिए, माइनस पी माइनस एन, ऑल
डायगनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ज़ीरो, एंड जो हम नंबर लेके चले हैं ये आपके पास क्या होता है स्क्यूसिमेट्रिक में, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है, ठीक है। तो ये प्लेस जैसे आपके पास ये बना 2 4, ये इक्वल होना चाहिए माइनस 4 2 के, 4 2 इज अ दिस प्लेस, ओके, दिस इज अ 2 3, दिस इज 3 2, तो इस तरह से आपके पास स्क्यूसिमेट्रिक आ जाएगी, हमने ले लिया 4 × 4 की। हमें बताना है कि स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स का रैंक 1 नहीं हो सकता। चलिए, जो भी हमने कांस्टेंट अज्यूम किए हैं एच जी एल एम एन पी, इफ दीज आर ऑल कांस्टेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो, अगर सारे कांस्टेंट जीरो के इक्वल ले लेते हैं देन रैंक ऑफ ए, रैंक को हम इस तरह से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स का, दिस इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट ही अगर ज़ीरो हो जाएंगे तो नॉन जीरो एलिमेंट कोई रहेगा ही नहीं, तो हमारे पास रैंक ए का ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इफ़ हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक भी नंबर नॉन जीरो है, अगर सारे नॉन जीरो नहीं, सारे जीरो नहीं है तो कम से कम कोई ना कोई तो नॉन जीरो मिलेगा। हम सपोज कर लिया, सपोज एच नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, एच हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स उठाई हमने, ज़ीरो एच माइनस एच ज़ीरो, ये हमने ले ली ए 2 × 2 मैट्रिक्स, ए वन ले लेते हैं इसको, ए वन मैट्रिक्स ऑफ 2 × 2, ठीक है। हम ये सपोज करके चले हैं कि एच हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमने 2 × 2 की मैट्रिक्स उठा ली। अगर मैं इसको इसका डिटर्मिनेंट ओपन करती हूँ, मैं इसका माइनर फाइंड आउट करती हूँ, एम वन माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो क्या आएगा, ज़ीरो माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर विच इज एच स्क्वायर, ठीक है। एच हमारा कैसा था, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो एच स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। दैट मीन्स जो आपके पास 2 × 2 ऑर्डर का जो माइनर हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया है, इट मीन्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 2, देयर फॉर रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इक्वल तो क्यों, क्योंकि हमारा 2 × 2 का माइनर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया, तो मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास रैंक ऑफ ए 2 हो सकता है, ठीक है। बट हमें ये तो नहीं पता ना कि जी भी हमारा इक्वल टू ज़ीरो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, अगर हमारे पास जी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हम 3 × 3 का भी माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर वो भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा तो इसका रैंक 3 हो सकता है, ठीक है। तो माइनर आपके पास क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो आपके पास रैंक बनता है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2 × 2 का तो हमारे पास मैट्रिक्स जो नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, तो रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए हमने कैसे ली है, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, कैन नॉट बी ऑफ 1, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए का जो रैंक 1 नहीं हो सकता। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 2, मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 × 3 ऑर्डर में, ठीक है, और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स लेस देन इक्वल टू 2 हमें गिवन है। देखिए, मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 3, ए मैट्रिक्स हमें 3 ऑर्डर की गिवन है, एंड रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 2, ए का जो रैंक है वो या तो लेस 2 के इक्वल हो सकता है या लेस हो सकता है, implies that minor of order 3 is 0, a matrix 3 order की है, rank इसका 2 दे रखा है हमें, ठीक है, या तो 2 हो सकता है इससे less हो सकता है, तो इसका rank 3 नहीं हो सकता, that means जो इसका minor था हमारा 3 × 3 का determinant है वो हमारा equal to 0 मिलेगा हमें, ठीक है। तो यही apply कर देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन ही है,
3x माइनस 8 इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3x माइनस 8 ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 8 स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई माइनस 9 दिस इज -3 इंटू 3x माइनस 8 एंड माइनस ऑफ 3 3 9 प्लस 3 3 9 माइनस 3 3x माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से मल्टीप्लाई ओपन करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि आपको क्वेश्चन में निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट 7 गिवन है, फाइंड द कंडीशन अंडर विच द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी लेस देन 3। ऐसी कंडीशन निकालिए जिसमें इस मैट्रिक्स का रैंक 3 से लेस आ जाए, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। चलिए देखिए, हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स ले लेते हैं हम इसको, ये कितने ऑर्डर की है, 4x3 ऑर्डर की, 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। ऑल पॉसिबल माइनर ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि हमें जो माइनर फाइंड आउट करने हैं, अगर हम इसके माइनर बनाते हैं तो इसका माइनर का ग्रेटेस्ट ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसके स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। हम निकाल लेते हैं पहले टोटल माइनर 3x3 के, 3x3 निकालेंगे पहले हम, फोर्थ रो स्किप कर देते हैं, हम स्टार्टिंग की 3 रोज उठा लेते हैं, 0 p-2 and 2, 0 q-1 p+2, ठीक है। सेकंड इज m2 लेंगे तो हम थर्ड रो स्किप कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ले लेते हैं, 1 0 0 0 p-2 and 2, 0 0 3। नेक्स्ट इज m3, सेकेंड रो स्किप कर देंगे, 1 0 0 0 q-1 p+2 एंड 0 0 3। m4, फर्स्ट रो स्किप करेंगे तो लास्ट की थर्ड 3 रो ले लेते हैं, 0 0 0 p-2 q-1 and 0, लास्ट की ये है आपके पास और सेकंड में आ रहा है 2। ये आ गए हमारे पास 3x3 के ऑल पॉसिबल माइनस। ए मैट्रिक्स से हम 4 3x3 के माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें कंडीशन तब पूछी गई है जब इसका रैंक, मैट्रिक्स का रैंक 3 से लेस हो। दैट मीन्स अगर रैंक 3 से लेस है, दैट मीन्स माइनर ऑफ ऑर्डर, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर हमारा 0 आना चाहिए। इसको हम ले लेते हैं इक्वल टू 0। m1 को हमने इक्वल 0 पुट कर दिया। हम यहाँ से इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 into this into this minus this, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये m1 हम 0 लेके चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें कंडीशन बोली गई है जब रैंक हमारा 3 से लेस होगा, रैंक अगर 3 से लेस होगा तो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। m1 इक्वल टू 0 ले लिया हमने, यहाँ से लेके चलते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे, 1 into p-2 into p+2 माइनस 2 into q-1 q-1 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे, p² - 4 - 2q+2 इक्वल टू 0। ये प्योर क्यू में इक्वेशन आ जाती है। अगर हम सेकंड को सॉल्व करते हैं, m2 को सॉल्व करते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसका रैंक 3 तभी नहीं होगा जब सारे के सारे 3x3 ऑर्डर के माइनर 0 के इक्वल नहीं है। अगर एक भी इसमें से नॉन जीरो आ जाता है तो इसका रैंक 3 हो जाएगा, बट हमें मैट्रिक्स का रैंक 3 से लेस चाहिए, तो ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू
ज़ीरो लेके चलेंगे, इसको एक्सपेंड करते हैं, वन इंटू थ्री इंटू पी माइनस टू, थ्री पी माइनस सिक्स एंड माइनस ज़ीरो, टू से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो की, इक्वल टू ज़ीरो, इसको ओपन करते हैं, थ्री पी माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, पी की वैल्यू आ गई हमारे पास टू, ठीक है, यहाँ से हमें पी की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे पी की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू हमारे पास टू है, इसमें पुट कर देंगे, टू स्क्वायर इज अ फोर माइनस फोर माइनस टू क्यू प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, फोर कैंसिल, टू क्यू प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, टू क्यू इक्वल टू टू, टू से टू कैंसिल, क्यू इक्वल टू वन, तो पी की वैल्यू हमारे पास आ गई टू एंड क्यू इज इक्वल टू वन, ठीक है, P और Q की वैल्यू मिल गई, मैट्रिक्स में पुट करेंगे, देन इसका रैंक फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसने रैंक भी पूछ रखा है मैट्रिक्स का कि इसका रैंक कितना होगा। चलिए मैट्रिक्स में वैल्यूज पुट करते हैं, तो A मैट्रिक्स हमारे पास बनती है, P की वैल्यू टू पुट कर दीजिए और Q की थ्री, वन ज़ीरो ज़ीरो, P की जगह पे हमें पुट करना है टू, ठीक है, वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे, दिस इज ज़ीरो टू ज़ीरो, क्यू इज़ अ वन, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, फोर ज़ीरो ज़ीरो थ्री, ए मैट्रिक्स हमारे पास बन गई, जो हमने पी को टू रखा है एंड क्यू को वन रखा है, ठीक है, मैट्रिक्स चल रही है हमारी फोर क्रॉस थ्री की। रैंक फाइंड आउट करेंगे, एम वन निकालते हैं, थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का बनेगा यहाँ पे, पहले हम लास्ट रो को स्किप करेंगे, देखते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका, ज़ीरो ज़ीरो टू एंड ज़ीरो ज़ीरो फोर, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके देखते हैं, वन ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है, एम टू निकालेंगे, सेकंड हम इसको स्किप कर देंगे, इसका लेके चलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ वन ज़ीरो 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 टू एंड ज़ीरो ज़ीरो थ्री, ये फाइंड आउट करते हैं, दिस इज ऑल्सो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो आ रहा है, देन इसका एम थ्री देखिए, एम थ्री हमने यहाँ पे, अब सेकंड की बारी है, इसको स्किप कर रहे हैं हम, ये आ जाएगा वन ज़ीरो 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 फोर एंड ज़ीरो ज़ीरो थ्री, इट ऑल्सो ज़ीरो, वन ज़ीरो माइनस ज़ीरो, एम फोर निकालते हैं, एम फोर इज, इसको स्किप कर देंगे, ये आपके पास, दिस इज़ ऑल्सो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो ज़ीरो टू ज़ीरो ज़ीरो फोर एंड ज़ीरो ज़ीरो थ्री, टू इंटू ज़ीरो, सारा का सारा हमारा ज़ीरो आ रहा है, तो थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर के सारे माइनर इसके ज़ीरो आ रहे हैं, इसका मतलब हम अब लेके चलेंगे टू क्रॉस टू में, टू क्रॉस टू में लेके चलेंगे, कोई भी आप उठा लीजिए माइनर यहाँ से टू क्रॉस टू का, दिस इज़ ऑल्सो ज़ीरो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो बनेगा, हम ले लेते हैं वन ज़ीरो ज़ीरो थ्री, अगर माइनर हम यहाँ से लें डिटर्मिनेंट ऑफ वन ज़ीरो ज़ीरो थ्री, ठीक है, कोई भी आपको दो उठाने हैं टू क्रॉस टू का, तो वन ज़ीरो ले लिया हमने, ज़ीरो थ्री ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थ्री माइनस ज़ीरो थ्री नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो टू क्रॉस टू का माइनर नॉट इक्वल टू ज़ीरो मिला हमें, कम से कम एक माइनर हमारे पास मिल गया टू क्रॉस टू का नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू टू, तो यहाँ से आ जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज टू। एग्जाम्पल सेवन, यहाँ पे आपके एग्जाम्पल जो है एक्सरसाइज फर्स्ट के एग्जाम्पल हमने आज कवर किए हैं, कल हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1, तब तक के लिए आप इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।